नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ अपायर। मैं हूँ सौरभ पांडे और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा 62 के स्थित एवियर एजुकेशन हब में, जहाँ पर BCA के स्टूडेंट ने एक सुजल टेक फेस्ट का आयोजन किया है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एवियर एजुकेशन हब के चेयरमैन मिस्टर संदीप सिंह। हेलो सर, आपके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने पहली बार एक बार अपने ही दम पे, अपनी मेहनत पे, अपनी काबिलियत पे टीचर से सलाह लेकर इस तरह का फेस्ट का आयोजन किया है। आप बच्चों की मेहनत पे क्या कहेंगे? बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और स्कूल लाइफ के बाद कॉलेज में आने पर उन्हें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज लेनी चाहिए, जिससे कि वो सेल्फ डिपेंड हो, किसी पर डिपेंड ना रहे। बहुत अच्छा लग रहा है देख कि इसमें सभी बच्चे बीसीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर बहुत ही अच्छे जो भी इन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं बहुत ही इनोवेटिव हैं और आई ओपनर्स हैं और इससे भी अच्छा ये कर सकते हैं फ्यूचर में। बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों अच्छे प्रदर्शन के लिए और उसके साथ मैं बच्चों के साथ साथ उनके जो फैकल्टी मेम्बर इस बार जो हमारे सृजन प्रोग्राम में बहुत ही अच्छा इन्होंने किया है, बिल्कुल नीट एंड सही, बहुत ही बढ़िया बनाया जी। काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने। इसके पीछे का मकसद या इसके पीछे की पहल ये थी कि हमारे बच्चे अपने कोर्स के दौरान काफ़ी सारी लैंग्वेजेस सीखते हैं, जैसे C++, Java.net, वेबसाइट डिजाइनिंग, पाइथन। तो मेरा ये था कि एक नॉर्मल थ्योरेटिकल क्लास या प्रैक्टिकल लैब भी एक काइंड ऑफ थ्योरेटिकल ही हुआ, मतलब उसकी एप्लीकेशन कहाँ पर हो रही है। तो सिर्फ इसी पर्पस से ही हम जान सकें कि हमारे बच्चे एक्चुअली में वो सीख पाए हैं कि नहीं, उनके अंदर वो स्किल्स आ पाए हैं कि नहीं, तो इसलिए हमने ये टेक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया। तो इसमें आप देख सकते हैं, मतलब देख पाए होंगे कि हमारे बच्चों ने काफी नई नई इन्वेंशंस करी हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, लाइक काफी सारे गेम्स डेवलप किए और वेबसाइट्स डिजाइन करी, स्मार्ट होम्स, सेंसर, ऑटोमेटिक डस्टबिन, कोडिंग्स खूब किया। तो मतलब आप देख सकते हैं कि तो इससे मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ, काफी हैप्पी एंड प्राउड एट द सेम टाइम कि उन्होंने जो पढ़ा उसे वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अब आगे जाके जब वो इंडस्ट्री में जाएंगे तो दे कैन बिकम वेरी गुड इनोवेटर्स। जो है टेक्नोलॉजी को दिखा रहे हैं, एक नए तरीके, नए नए दौर के टेक्नोलॉजी को दिखा रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये बच्चे किस हद तक का काम कर सकते हैं और आपको किस हद की खुशी हुई है बच्चों के इस काम को देखकर? बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये आने वाले भारत का भविष्य है, बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा कॉलेज का भी नाम करेंगे। मेरी शुभकामनाएं इन सबको कि अपने कैरियर को, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देकर आगे बढ़ें। इसमें एक इंडिविजुअल को पॉइंट आउट करना बड़ा मुश्किल है जी सर। मेरे ख्याल से इसमें सभी बच्चों ने अपने अपने तरीके से सबने अच्छे किए हुए हैं, तो ये इंडिविजुअल को अलग करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो आई विल से ऑल हैव डन वेरी गुड। बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और हम तो सपोर्ट करते ही करते हैं, बट जो हमारे फैकल्टीज हैं वो इतने सपोर्टिव हैं कि वो बच्चों को एक तो गाइड भी करते हैं प्लस आइडियाज भी देते हैं एंड देन वो उन्हें रिसोर्सेज में भी हेल्प करते हैं, अगर कभी फाइनेंशियल टर्म्स में या वैसे भी कोई रिसोर्सेज या किसी भी तरीके की सपोर्ट या हेल्प की जरूरत पड़ती है। सो आर फैकल्टीज आर ऑलवेज देयर एंड अगर कुछ ऐसा होता है कि जिसमें हमारी उन्हें हेल्प चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होता है, देन वी आर ऑल्सो ऑलवेज देयर टू सपोर्ट देम। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ये थी एवियर एजुकेशन हब के ऑपरेशन डायरेक्टर मिस कनिका सिंह मैम, जिन्होंने अपनी बातों से बच्चों का उत्साह बहुत ही अच्छा बनाया। कैमरामैन एंड वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ मैं सौरभ पांडे, न्यूज़ अंपायर, न्यू दिल्ली।